हमारी बहुत सी विशेष और गोल्स होते हैं जिन्हें हम पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जब हमारी कोई विश पूरी होती है तो उसकी जगह कोई और विश आ जाती है। जैसे अगर मुझे एक बाइक चाहिए और वो मुझे मिल जाती है तो मेरी अगली विश एक कार लेना हो सकती है। लेकिन अगर हम इन छोटे छोटे गोल्स को पूरा नहीं कर पाएंगे ना, तो हम अपने बड़े गोल्स को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। किसी गोल को अचीव करने के लिए हमारा माइंडसेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम अगर ये बिलीव करें कि हम उस काम को कर सकते हैं तो हम जरूर उस काम को कर पाएंगे। किसी चीज को पाने के लिए उसका विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी होता है। आप जो भी पाना चाहते हैं उसे इमेजिन करो कि वो हमारे पास है, और ये बहुत अच्छा तरीका है। आपका माइंड आपकी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल है। जब आप अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं ना, तो आपका माइंड उसे पाने के लिए ऑटोमेटिकली वर्क करने लगता है, जो आपको आपके गोल के और करीब ले जाता है। हम सब इस अर्थ पर किसी ना किसी वजह से हैं। हम सब का लाइफ में एक पर्पस होता है, लेकिन उस पर्पस का पता करना बहुत जरूरी है। हम में से कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। उन्हें नहीं पता होता है कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। इसका सबसे अच्छा तरीका है एक्सपीरियंस। अगर आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता करना है तो बस निकल जाओ, हर चीज का एक्सपीरियंस लो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जब आप बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली आप किस चीज के लिए बने हो। आपकी नॉलेज को बढ़ाओ, जो अच्छा लगता है वो करो, जो नहीं पसंद उसे भी ट्राई करो, हो सकता है वो आपका पर्पस बन जाए। यस, अगर आपको कोई डिजीज है जिससे आप बाहर आना चाहते हैं तो विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को बिल्कुल फिट और एक्टिव समझेंगे तो आप बहुत जल्द ठीक होने लगेंगे। आपको अपने मन में यही बात रिपीट करना है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, आई एम फिट। आपका माइंड बहुत पावरफुल है। ये आपकी डिजीज आपके घाव को जल्दी ठीक करने में मदद कर सकता है। निगेटिविटी आपके जीवन में एक इंसेक्ट की तरह होती है जो आपको अंदर ही अंदर चोट पहुंचाती रहती है। ये आपकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देती है। निगेटिव थॉट्स आपको विकसित नहीं होने देते हैं और ये आपकी ग्रोथ को रोक देता है, जिससे आप अपने गोल्स को नहीं पा सकते हैं। पॉजिटिव थॉट्स आपकी बॉडी में किसी मेडिसिन की तरह काम करते हैं जो आपको हील करने में मदद करते हैं। यस, हमारी लाइफ में कई बार ऐसा टाइम आता है जब हम अपने किसी करीबी को खो देते हैं। तब हम अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं। हमें जाने वाले की कमी फील होने लगती है। विजुअलाइजेशन इस हार्ड टाइम में एक अच्छा तरीका है अपने पेन को दूर करने का। विजुअलाइजेशन का मतलब आप उन चीजों को इमेजिन करो जो असल में आपके पास नहीं है, लेकिन आप उसकी चाहत रखते हैं। जैसे आप उस पर्सन को इमेजिन कर सकते हैं जो अब इस दुनिया में आपके साथ नहीं है। इससे जो जा चुका है वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन आप अपने मन के बोझ को जरूर कम कर सकते हैं। ये आपको रिलीफ दे सकता है। अगर आप किसी डिजीज से फाइट कर रहे हैं तो आप इमेजिन करें कि आप बिल्कुल फिट हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। ये आपको एक पावर देता है, एक एनर्जी देगा जो आपको इस फाइट में जीतने में मदद करेगा। कभी कभी हमारी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हमारे मन में कई नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और हम कोई गलती कर देते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। बस हम कभी कभी उसे ढूंढ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक ही तरीके से उस प्रॉब्लम को देखते हैं। हमेशा काम रहें, अपने आप पर भरोसा रखें और इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से समझें, उसकी रूट तक जाएं, शायद आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। कई बार सलूशन हमारे सामने होता है लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाते। लेकिन जब हम उसे पूरे शांत मन से बिना नेगेटिव थॉट्स के कोई सलूशन ढूंढते हैं ना, तो वो हमें जरूर मिल जाता है। इसीलिए हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। किसी गोल को अचीव करने के लिए इमेजिनेशन और पॉजिटिव थॉट्स के साथ साथ एफर्ट्स भी बहुत जरूरी है। बिना किसी एक्शन के हम अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते, ये फैक्ट है। जैसे अगर हम किसी रेलवे स्टेशन में खड़े हैं और आने वाली ट्रेन्स में नहीं चढ़ रहे हैं, तो हम अपनी डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे।
ऐसे ही हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज इन ट्रेन्स की तरह टाइम टू टाइम आती रहती हैं। लेकिन अगर हम उन अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, तो हम कभी भी अपने गोल तक नहीं जा पाएंगे। इसीलिए हमें जब भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखे, उसे छोड़ो मत, लपक लो, उस पर चढ़ जाओ, और वही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। जब आप इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे, तो आप कुछ टाइम बाद नोटिस करेंगे कि आप में क्या चेंजेस आए हैं, और आप जानेंगे कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल, एवरीथिंग। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप अपनी प्रॉब्लम्स में उलझकर हार मानना चाहते हैं, या एक वॉरियर की तरह लड़कर इस लाइफ को एक इंटरेस्टिंग और सक्सेसफुल वे में जीना चाहते हैं? नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।